हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ एक ऐसा मिस्ट्री बॉक्स जो आपके बच्चों को आराम से 2 से 3 घंटे के लिए बिजी रख सकता है। बच्चा मोबाइल या टीवी से खुद ही दूर भागेगा जब उसे ये बॉक्स मिलेगा। तो ये बॉक्स 3 से 8-9 साल के बच्चे को बिजी रखने के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें बॉक्स में ऐसा क्या है कि आपके बच्चों को बिजी रखेगा? तो अब क्या होता है कि बच्चे को पढ़ाई के बीच बीच में आपको माइंड फ्रेश कराने या फिर उनके लिए ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी या फिर ब्रेन डेवलपमेंट एक्टिविटी आपको करानी चाहिए ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे। या फिर आप, अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे फाइन मोटर स्किल्स एक्टिविटी कराती हैं, तो इसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके बच्चे के लिए। तो देखते हैं इस बॉक्स में ऐसा क्या है। तो स्टार्टिंग में पहले बॉक्स पे देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर इसे देखने से पता चल रहा है कि इसमें अल्फाबेट्स से रिलेटेड कुछ है। तो जैसे यहाँ पर है अल्फाबेट ट्रेन लिखा हुआ है और यहाँ पर ट्रेन बनी हुई है और उस पर अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं। अब इसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको? 28 पीस पजल, माई क्यूट कलरिंग एंड पिक्चर बुक एंड क्रियॉन्स। तो इसमें आपको बच्चे को 3 आइटम्स मिल रहे हैं। तो ये अल्फाबेट किस तरह से हैं कि बड़े बच्चों को भी ये बिजी रखेगा? तो आइए देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। तो सबसे पहले इसमें है एक कलर पैकेट, 12 शेड्स हैं इसमें। और इसके बाद इसमें है एक माई क्यूट पिक्चर बुक ऑफ अल्फाबेट्स। तो ये है अल्फाबेट पिक्चर बुक। ये छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि जब बच्चा पढ़ेगा तो साथ साथ में उसे यहाँ पर कलर करने के लिए भी मिलेगा। तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी है ये बुक। यहाँ पर आपको साथ साथ में दोनों केस मिल रहे हैं, अपर केस एंड लोअर केस में दोनों लिखा हुआ है। तो बच्चे के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि बच्चों को इसमें पढ़ने के साथ साथ कलरिंग के लिए भी मिल रहा है। तो ये छोटे बड़े बच्चों के लिए, दोनों के लिए बहुत अच्छी बुक है क्योंकि इसके साथ साथ आपको यहाँ पर कलर्स भी अवेलेबल हैं। ओके, उसके बाद इसमें है पजल्स। अब पजल्स का आपको भी पता है कि पजल सॉल्व करने में कितना टाइम लगता है, इजी हो या हार्ड पजल हो, लेकिन टाइम ज़रूर लगता है। तो अगर हम ये बच्चों को देंगे करने के लिए पजल सॉल्व, तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। तो यहाँ 28 पीसेस हैं जो बच्चे को आराम से 2 से 3 घंटे के लिए बिजी रख सकती हैं। तो इसमें कैसे सॉल्व करना है, ये अल्फाबेट हैं और सब लेटर अलग अलग हैं। इसमें बच्चे को एक ट्रेन, जिस तरह आपको बॉक्स पे ये ट्रेन बनी हुई नजर आ रही है, इस तरह आपको ये बच्चे से सॉल्व करानी है अल्फाबेट। तो देख लेते हैं हम इसे किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर है ए और बी, लेकिन ये इनकम्प्लीट है। अब हमें इसका अपर पार्ट देखना है कि वो कहाँ है। ए फॉर एप्पल होता है, बी फॉर बॉल। तो ये रहा हमारा इसका अपर पार्ट। तो ये रहा इसका अपर पार्ट, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। लेकिन इससे पहले यहाँ पर इंजन की पिक्चर हमें अटैच करनी है, ये भी हमें ढूंढना है। उसके बाद फिर हमें पूरी ट्रेन अपनी कंप्लीट करनी है इस तरह से। तो पहले हम इंजन ढूंढ लेते हैं अपना आगे का। आई थिंक ये है इसका इंजन का एक पार्ट, और सेकंड पार्ट कहाँ मिलने वाला है? ये रहा इसका सेकंड पार्ट। ये हमें इसे इस तरह से अटैच करना है, और इसका ये अपर पार्ट ये इस तरह से हमें अटैच करना। ये हो गया। अब हमें इससे आगे चलना है। तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल हो गया। अब इसके आगे हमें सी सी और डी चाहिए। तो सी एंड डी, अब हमें सी फॉर देखना है इसमें सी फॉर क्या है, क्योंकि सी से बहुत सारे वर्ड स्टार्ट होते हैं। तो अब पता नहीं इन्होंने क्या दे रखा होगा। आई थिंक आप बॉक्स की हेल्प ले सकते हैं। सी फॉर के, डी फॉर डॉल्फिन। अब हम
एक और डॉल्फिन हमें ढूंढनी है। शायद इसमें बहुत टाइम लगने वाला है, तो जब बच्चा ढूंढेगा तो उसे भी टाइम लगेगा। पहली बार सॉल्व करने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है, बड़े बच्चे या छोटे बच्चे सबको ही टाइम लगेगा इसमें। मुझे तो मिल नहीं रही, ये रहा सी फॉर केक, डी फॉर डॉल्फिन। ये हमें यहाँ पर इस तरह से अटैच करनी है। ओके, अब डी के बाद आता है ई एंड एफ, तो अब ई और एफ ढूंढेंगे हम। ये रहा ई एंड एफ, ई। अब ई फोर क्या है इसमें? ई फोर एग एंड एफ फोर फ्लावर। तो बॉक्स पे भी फुल अल्फाबेट्स नहीं है, आगे के आपको खुद ही देखने पड़ेंगे कि। अब ये रहा ई फोर एग, एफ फोर फ्लावर। तो ये हो गया इस तरह से अटैच। ओके, बहुत मेहनत का काम है बच्चों के लिए, बच्चों को बहुत टाइम लग जाएगा इसे सॉल्व करने में, और उन्हें शायद और उन्हें बहुत अच्छा भी लगेगा पजल सॉल्व करना। तो आप बच्चों के लिए ज़रूर खरीदिए, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था, तो इस तरह आपको फ्लिपकार्ट पे काउंटिंग्स में फ्रूट्स नेम, वेजिटेबल्स नेम, बहुत सारी पजल्स मिल जाएंगी। मैंने फ़िलहाल तो यही एक मंगा कर देखा था कि किस तरह की हैं ये पज़ल, अगर मुझे अच्छी लगी तो मैं और मंगा लूँगी। तो ये आई थिंक बच्चों के लिए बहुत अच्छी है लॉकडाउन के टाइम में भी, क्योंकि अभी स्कूल भी खुले हुए नहीं हैं, तो बच्चे इस तरह की हम बच्चों को दे सकते हैं ताकि बच्चे का माइंड फ्रेश रहे, उनकी मोटर स्किल एक्टिविटी और माइंड डेवलपमेंट या फिर माइंड बूस्टिंग एक्टिविटी भी होती रहें। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।